देखेंगे नेक्स्ट दूसरे वाटरफॉल की तरफ, लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ चलेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि वो कैसा है। ओके लेट्स मूव। अब यहाँ से देखिए गाइस, बहुत ही डेंजरस है। तो भाई जंगल के बीच में दिखा इमली का पेड़, तोड़ेंगे एक इमली। ये देखो भाई माहौल, आप पूरा थे ना कल्चर वाले। हाँ यहाँ सब उठता उठता है और ये देखिए खेल, ये भुट्टा है और ये हम है, यहाँ पे खुंजाई हो रहा है भुट्टा का। डायरेक्शन में 3 जलप्रपात है, पीछे भी 12 किलोमीटर पे है। तो हम लोग कोड़ाकल जलप्रपात कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। लुत्ते कड़का जलप्रपात के लिए गए थे लेकिन वहाँ थोड़ा पैदल जाना होता है तो वहाँ भुट्टा खा के आ गए। और एक अभी होना बाड़गो जलप्रपात जा रहे हैं। कैसा लगा सर यहाँ? एकदम जोरदार। आगे देखें सीन। हाँ आगे चलते हैं। So guys, जगह है ये तुड़े का गुमरा और ये गाइज उतरने का रास्ता, आप देख सकते हो पूरा डीप है, डेप्थ है यहाँ, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आप ये देखो कैसे उतरना है यहाँ, कैन यू इमेजिन? आप रे यार, ये तो डर लग रहा है गाइस, ये देखो कैसे उतरना है। वाह गाइस बहुत ही डेंजरस है, ये रस्सी पकड़ के पूरा नीचे की तरफ जाना है। द फाइनल यू सी द लोकेशन।
खतरनाक जगह है। सेटअप रॉ कुछ नहीं बना हुआ है, पहुंचने का कोई मीडियम सीढ़ी कुछ बहुत आगे निकल गए सर। चलन नहीं जाना चाहिए अपन लोग को। रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं चढ़ पाएगा, रॉक क्लाइंबर भी नहीं चढ़ पाएगा। आराम से ना, आराम से, इजी इजी।
वैसे मत पकड़ो ना चाचा इसको। नहीं 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 वैसे नहीं, वैसे सर ये वाला डाल, इसको पकड़ लीजिए एक हाथ से, उसको पकड़ हाँ। एक हाथ से इसको पकड़। हाँ। हाँ। मैं हाथ दूं एक मिनट पकड़ना थी। क्या पकड़ना? मैं भी आऊं मोबाइल पर पूरा शरीर का जल वो साला सीधा खड़ा है। बाहर पहुंची है तो भाई लिटरली बता रहा हूँ वेरी डेंजरस। इतनी जितनी सपोर्टिव होती है उतनी खतरनाक भी होती है। हर किसी के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना इज नॉट अ गुड आइडिया। पर्यटन के दृष्टिकोण से कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया गया है। लोग आ रहे हैं, लोगों को जितने लोगों को पता है उतने तो आ ही रहे हैं, बट बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। फिर भी मैंने यहाँ देखा काफी सारा कचरा, प्लास्टिक, खाने का प्लेट्स वगैरह फेंका हुआ था। तो यार आप इस जगह पे आते हो, आपको नेचर, प्रकृति, ये जो वाटरफॉल है आपको खुश करता है, आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाते हो, बदले में आप क्या करते हो यहाँ पॉल्यूशन फैला के जाते हो, तो ये यार बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कई सारी कंट्रीज है जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, मॉरिशस है, और भी ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी कंट्रीज है, इवन दुबई, इनका जो मेजर इकोनॉमी, मेजर रेवेन्यू का जो रिसोर्सेज है वो पर्यटन है। टूरिज्म के थ्रू ही मैक्सिमम जो अपने कंट्री के इकोनॉमी को अर्न करते हैं, मैक्सिमम कमाते हैं अपनी कंट्री के लिए। हमारे पास प्रकृति और नेचुरल प्लेसेस एन नंबर्स ऑफ है यार, मतलब आप काउंटलेस, काउंट नहीं कर सकते हो। ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ यहाँ हम अभी 5 या 6 वाटरफॉल स्कीप कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हम कल रात 10 बजे से निकले हुए हैं और सुबह 4 बजे से हम इस प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये बस तीसरा वाटरफॉल था, वो भी इसके पहले वाला हमने जल्दी जल्दी फिनिश किया क्योंकि यहाँ आना था। 3-4 और बच जा रहा है, वो हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि आप जहाँ जितना ज़्यादा हो सके इसको स्प्रेड करें, इस जगह के बारे में लोगों को बताएं, पहुँचाएं कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है। क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे पता लगता है कई लोग छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में ही नहीं जानते, ये सब जगह तो बहुत दूर की बात है। तो किसी भी स्टेट को रिकॉग्निशन उसके पर्यटन क्षेत्र वगैरह की वजह से भी मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बताएं लोग, ताकि बाहर से भी आए, घूमें फिरें, इस जगह को एक्सप्लोर करें और उससे हमारे स्टेट में रेवेन्यू जनरेट हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।